अब मैं जा रहा हूँ अपने बस स्टॉप, बस बोर्ड करके बात करता हूँ। बहुत सर्दी है इधर, हिम्मत नहीं हो रही बोलने की, बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो वंस आई सिट इन बस विल अपडेट यू। सो गाइस, अब मैं आ गया हूँ अपना सेंट्रल मार्केट स्ट्रीट पे, जो कि मैंने आपको पहले वीडियो में रात में दिखाई है रात का व्यू। अब मॉर्निंग का व्यू देखिए आप। यहाँ से मेरे को कुछ 1.5 किलोमीटर वॉक करके अपनी बस बोर्ड करने जाना है, सिटी टूर बस। सो देखिए आप इस बार दिन का नज़ारा सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का। गाइज, यहाँ पे ऐसे बने रहते हैं अपने बस, सिटी बस स्टॉप, जो मेरा साइट सीन बस है उसका स्टॉप ऐसा रेड कलर का मार्क है, मतलब यहाँ पे आपकी बस रुकेगी। ये हर बार बस स्टॉप के आसपास ही है। सो गाइज, फाइनली आई एम इन माई सिटी साइट सीइंग बस। मेरे होटल से 10-12 मिनट के वॉक पे मेरे को स्टॉप मिला, मैंने बस बोर्ड कर ली। अभी कुछ देर तो पहले मैं राउंड लगाऊंगा फर्स्ट स्टॉप तक, फिर उसके बाद देखते हैं गाइज आगे का। और अभी मेरा प्लान है सबसे पहले जो सेंट ईसा कैथेड्रल है, जो इसका फर्स्ट स्टॉप है, वहाँ तक इसी बस में जाता हूँ। वो अंदर से पहले एक्सप्लोर करता हूँ कैसा है जगह, क्योंकि उसकी बहुत तारीफ़ सुनी है। उसके बाद फिर मैं बस बोर्ड करके नेक्स्ट स्टॉप जाऊंगा। तब तक थोड़ा गर्म होना, बहुत ठंड है बाहर, आज अनटॉलरेबल हो रहा है बस मौसम। चलिए देखिए गाइस नज़ारा सिटी का। पूरी बस में अभी मेरे अलावा सिर्फ एक पर्सन और है, बाकी अभी खाली है। संडे है और सुबह का टाइम है, लोग थोड़ा लेट भी चालू करते हैं दूसरे दिन कभी कभी। तो गाइस चलिए आगे अपडेट करता हूँ पॉइंट पे जाके। आप, मैं हूँ अभी सेंट ईसा कैथेड्रल, ये जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेंट ईसा कैथेड्रल का बिल्डिंग है, और ये पीछे बसेस खड़ी हैं। ये मेन पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट सिटी टूर बसेस का। यहाँ से सारा सिटी टूर बसेस स्टार्ट होती हैं, रेड लाइन ग्रीन लाइन। सो दोनों लाइन्स का ये फर्स्ट एंड लास्ट स्टॉप यहीं है। आपको अगर अपना टिकट लेके बोर्ड करना है बस, तो टिकट आपको यहीं से मिलेगा। यहाँ पे हमेशा बसेस खड़ी रहेंगी। और ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं सेंट ईसा कैथेड्रल है, यहाँ का फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। तो बाकी ये बहुत बड़ा सर्कल है पीछे, आप देखो मेरे, बहुत बड़ा सर्कल है। और ये पीछे कुछ रशियन आर्टिस्ट खड़े हैं जो फोटोग्राफ खिंचवाते हैं और उसका अमाउंट लेते हैं। इसका टिकट ऑफिस पीछे के साइड है गाइस। राइट नाउ आई एम एट सेंट ईसा कैथेड्रल, जो यहाँ का बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और हमारी बसेस जो हैं सिटी टूर की वो यहीं से स्टार्ट होती हैं। सो जस्ट मैंने अभी इसका टिकट बाय किया है, जो कि 350 रूबल्स का है, और मतलब 393 इंडियन रुपीज़ का है। ये टिकट काउंटर है पीछे मेरे, यहाँ से मैंने अभी टिकट बाय किया बाय पेइंग माई कार्ड, कार्ड से पे किया है मैंने, ये टिकट मिला है। और अब मैं जा रहा हूँ म्यूज़ियम के अंदर। इधर दो तरह के ऑप्शंस हैं गाइस, एक तो म्यूज़ियम है और एक है टॉप व्यू, कैथान किसको कहते हैं ये लोग, उसका 200 रूबल्स अलग से टिकट है गाइस। पर वहाँ पे अभी इतनी ठंड में अभी ऊपर तो नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है कि देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द टॉप। सो वहाँ पर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, तो मैं अभी सिर्फ म्यूज़ियम देख के निकलूँगा। अगर फिर मूड हुआ तो ऊपर का टिकट लेता हूँ। चलिए गाइस दिखाता हूँ आपको म्यूज़ियम का कैसा व्यू है अंदर का। इसकी तारीफ तो बहुत सुनी है, आज ज़रा देखते हैं।
हाय गाइस, सो राइट नाउ आई एम इनसाइड सेंट ईसाक कैथेड्रल। ये यहाँ का एक टॉप 3 अट्रैक्शंस में से एक है एंड मस्ट विजिट है ऑब्वियसली। बहुत बड़ा, बहुत सुंदर है। आप देखो मेरे पीछे नज़ारा क्या है गाइस। स्पेशली इन लोगों के जो वॉल्स हैं ना, वो इतने सही डिज़ाइन होते हैं रॉयली कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है अपना। पूरी सुंदरता इनकी वॉल्स पे है। अब जरा मेरे ऊपर देखिए नज़ारा। हर एक वॉल, हर एक रूफ इतना, हर एक बैकग्राउंड इतना खूबसूरत है इनका कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बयां करने के लिए गाइस। आई एम जस्ट लविंग इट। बहुत क्राउड है अभी, जबकि ये ऑफ सीज़न है, थोड़ा फिर भी क्राउड बहुत ज़्यादा है यहाँ, आप देख सकते हो। और ये रशियन हिस्ट्री से रिलेटेड है म्यूज़ियम। और यहाँ पे ऑडियो गाइड्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, अपना वर्चुअल गाइड्स, ऑडियो गाइड्स, या फिर आप गाइड हायर कर सकते हैं, उनका अलग चार्ज है। मैंने जस्ट 350 रूबल्स का टिकट परचेज़ किया है, एंट्री टिकट, क्योंकि मुझे भी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ये हिस्ट्री वगैरह में। बाकी ये फॉरेनर्स इंटरेस्टेड रहते हैं तो दे आर डूइंग इट। बाकी सी द व्यू। डैम ब्यूटीफुल, यानी इमेजिनेशन से ज़्यादा ब्यूटीफुल है। कल भी जो कैथेड्रल गया था मैं, वो भी बहुत सुंदर था, बट ये थोड़ा सा बेटर है मेरे हिसाब से। अगर आप विदाउट गाइड और विदाउट हिस्ट्री के हिसाब से आएंगे यहाँ पे, तो 20 to 25 मिनट्स में पूरा आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सिर्फ म्यूज़ियम पार्ट, वो टॉप पार्ट, टेरेस पार्ट नहीं। व्यू पॉइंट के लिए अलग से 20-25 मिनट चाहिए, पर उसका टिकट फिर अलग है अपना। उसका टिकट 200 रूबल्स एक्स्ट्रा है, वो तो आपको परचेज करना पड़ेगा बाहर एंट्री से। Amazing view guys, amazing view. I can't explain you what I am feeling right now. इतना सुंदर चर्च, कैथेड्रल, म्यूज़ियम मैंने नहीं देखा अभी तक। मैं बहुत सी क्रिश्चियन कंट्रीज़ में गया हूँ, फिलीपींस एंड ऑल, बट ये अलग है। यहाँ का व्यू, यहाँ का फील बहुत अलग है। पॉजिटिव वाइब्स है टोटली। आप देखिए मेरे पीछे क्या बनाया है गाइस, क्या मेंटेन की है जगह को आप। वो मेन है वो देखिए आप इधर। और अंदर बहुत वार्म है, जैसे बाहर तो एक्सट्रीमली कोल्ड है इस टाइम, तो अंदर वार्म फीलिंग है बहुत। और बहुत बड़ा एरिया है ये, कोई छोटा मोटा एरिया नहीं, बहुत बड़े एरिया में बना है। मुझे तो बहुत मज़ा आया, फुल पैसा वसूल है। अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग आते हैं तो ये देखे बिना तो जाना वेस्ट होगा आपका सेंट पीटर्सबर्ग ट्रिप। सो गाइज, अभी मैं अपना यहाँ पे थोड़ी देर पहले कैप पहन के घूम रहा था, जैसे आपने मेरे अभी लास्ट क्लिप में देखा होगा। तो यहाँ का ये स्टाफ मेंबर आके बोला कि आपको कैप उतारना पड़ेगा, क्योंकि फॉर मेल्स यहाँ पर कैप या सर पे कुछ पहनना अलाउड नहीं है। ये गेट पे एक सिंबल बना हुआ है, पर मैं समझा नहीं था एक्चुअली उस टाइम। तो यहाँ पे फॉर मेल्स स्पेशली आप कैप या सर पे कुछ कवर नहीं कर सकते, आपको सर खाली रखना है। फीमेल्स के लिए इट्स अलाउड, बट फिर भी 80% फीमेल्स ने भी कुछ पहना नहीं है, बट स्पेशली मेल्स के लिए है। तो यहाँ का एक स्टाफ मेंबर आके मुझे बोला, चलो इतने दिनों में पहली बार कोई क्लिप या वीडियो मेरा विदाउट कैप आ रहा है। बाहर तो पहन ही नहीं सकते आप विदाउट उसके कैप के, तो कुछ कर ही नहीं सकते। सो गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये सेंट ईसाक कैथेड्रल का वीडियो एंड पार्ट। अभी मैं यहाँ से बस विद इन 5 मिनट्स निकलूँगा बाहर, मेरा एक्सप्लोर हो गया है फुल पॉइंट। इस कैथेड्रल की एक खासियत ये है कि जितनी यहाँ की वॉल्स खूबसूरत है ना, उससे ज़्यादा खूबसूरत यहाँ के अपना रूफ टॉप है। बहुत खूबसूरत रूफ है यहाँ का, देखने लायक है, वर्थ विजिट। आप आइए तो बहुत देखिए, ज़रूर देखिएगा, मिस मत कीजिए चाहे कुछ हो जाए। तो गाइस चलिए निकलते हैं यहाँ से, और फिर अभी शायद अभी पहले मैं कुछ लंच करूँगा, फिर उसके बाद मैं बस बोर्ड करके नेक्स्ट स्टॉप जाता हूँ, आपको अपडेट करता हूँ।
सो अभी लंच के बाद मैंने वापस से अपनी बस बोर्ड की है, ये देखिए मेरी बस खड़ी है मेरे पीछे, और इस ये ग्रीन लाइन बस है और इससे मैं आया हूँ 4 स्टॉप्स आगे। ये पीछे जो आप मेरे पॉइंट देख रहे हैं ना, पीछे जो दिख रहे हैं, यहाँ पे आया हूँ। ये एक चर्च है, कैथेड्रल है, और इसको यहाँ का आईफिल टावर बोला जाता है। आई डोंट नो व्हाई बट सेंट पीटर्सबर्ग का आईफिल टावर बोला जाता है इसको। और गाइस एक मज़ेदार चीज दिखाता हूँ आपको, देखिए ये मेरे पीछे पूरी नदी है, पूरी बड़ी नदी है, पूरी जमी हुई है नदी बर्फ़ से, पूरा स्नो ही स्नो है नदी के आर पार, है ना। यू कैन वॉक इन द रिवर, आप नदी में वॉक करके जा सकते हो आराम से, इतना जमा है पानी उधर नदी में। सो अभी मैं जा रहा हूँ उस पॉइंट पे, देखते हैं आपको दिखाते हैं गाइस क्या है अंदर, कैसा है। आज सर्दी नहीं झेली जा रही, सो मे बी आज मैं ज़्यादा नहीं घूमूंगा गाइस, क्योंकि हेल्थ भी देखना है। बहुत ज़्यादा ठंड है आज, पता नहीं क्यों गूगल पे टेम्परेचर दिखा रहा है 1 डिग्री, पर मेरे को ऐसा लग रहा है -10 के आसपास होना चाहिए, इतनी ठंड है। सो गाइस मैं अभी आपको लेके जा रहा हूँ बर्फ़ की नदी के पास। यस, आपने राइट सुना, पूरी बर्फ़ की नदी, जो कि एक बहुत बड़ी रिवर है यहाँ की और पूरी बर्फ़ से जम चुकी है एट प्रेजेंट। तो वहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं। मैं जहाँ पे वॉक कर रहा हूँ, नीचे पूरा स्नो स्नो है, स्लिपरी है, बट थैंक्स टू माई रशियन शूज़ जिनकी वजह से मैं यहाँ एटलीस्ट वॉक कर पा रहा हूँ। बस गाइस ये देखिए, अब जो ये पोर्शन जमना शुरू हुआ है ना, इसके बाद से आगे रिवर पूरी जमी हुई है। बस ये स्पॉट पूरा घूम के इसके बाद आई एम प्लानिंग हर्मिटेज म्यूज़ियम एक बार अंदर से दिखा दें आपको, देख लें, देन फिनिश फॉर द डे। फिर साइट सीइंग नहीं हो पाएगी भाई हमसे, उसके बाद अपना वही एवेन्यू स्ट्रीट शॉपिंग मार्केट, कुछ शॉपिंग करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और वापस होटल चले जाएंगे टाइम पे। वेलकम टू द फ्रोज़न रिवर ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग। ये एक बहुत बड़ी और सेंट पीटर्सबर्ग की सबसे बड़ी रिवर है, जो कि एट प्रेजेंट करंटली पूरी जम चुकी है बर्फ़ से, और आप देख सकते हैं ऐसे बर्फ़ की सिल्लियाँ जमी हुई हैं। देखिए आप इस रिवर पे आप वॉक करके चाहें तो इस एंड से उस एंड तक आगे तक जा सकते हैं। बहुत बुरा हाल है अभी देख के तो, पर ओबियसली आप बैलेंस नहीं जमा पाएंगे अपना, क्योंकि बहुत सारे स्टोन्स टाइप अपने इधर स्नो के पड़े हुए हैं, ब्रिक्स, सो नॉट पॉसिबल। बट आप चाहें तो अगर जा सकते हैं थोड़ा स्ट्रगल करके, ये मज़ा भी आप ले सकते हैं, वो यहीं पॉसिबल है एट प्रेजेंट। उस साइड पूरी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सेंट पीटर्सबर्ग की, अपोजिट साइड आप जैसे देख रहे हैं, ये पूरा एंड तक पूरा स्नो का है। ये स्नो के पास अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है, आई डोंट नो व्हाई। वहाँ पीछे सिटी में थोड़ा सा कम था, पर यहाँ तो अभी बर्दाश्त से बाहर हो रही है सर्दी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं अब वहाँ से वापस जा रहा हूँ रोड की तरफ, क्योंकि आगे जाने की हिम्मत नहीं है मेरी। बट मेरे को आपको बस ये दिखाना था कि फ्रोज़न रिवर कैसी है बिल्कुल नज़दीक से। We'll be right back.
सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलें, और आगे ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए और मेरे वीडियोस के अपडेट्स लेने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।